कैसे मिले थे, किस तरह मिले थे, कैसे बात हुई? जस्ट देखा था, देखा था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नजर पड़ी है मुझे, कोई ने देख के गया। मैं कुछ तिकड़मबाजी कर रहा हूँ, तो मैंने पिंक भी पैर में पहन के देखा, इसके घर के सिर्फ। बहुत लड़ता है दोस्तों ये, बहुत लड़ाई करते हैं आज के टाइम। ऑफिशियल जो हम ऐसे मुलाकात कर रहे थे, वो हम पहली बार मिले, इसने नहीं बताई अपने मुंह से, ये बात मुझे अनुज ने एक दिन बताई। हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है, क्योंकि जिस वीडियो का आपको इंतजार था, आपकी डिमांड थी, जल्दी से ये वीडियो लेके आओ, वीडियो लेके आओ, तो आज फाइनली मैं वही वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो क्या है बताओ। अच्छा, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी लव लाइफ, हम अपनी पर्सनल, पहली बार कब हमारी मुलाकात हुई, कहाँ हम मिले और कैसे हमारी स्टार्टिंग हुई, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मैं करना नहीं चाहती थी बहुत टाइम से, बट इसने मुझे बहुत फोर्स किया है कि प्लीज हम बता देते हैं, तो फाइनली माइंडसेट हो चुका है, आप लोगों के साथ हम ये शेयर करने वाले हैं। कैसे मिले थे, किस तरह मिले थे, कैसे बात हुई, कैसे सब शुरू हुआ, तो आज सब आपके सामने पेश करने वाले हैं हम। तो शुरुआत हमारी होती है DLF मॉल से। तो वहां पे मैं लगा रहा था अपनी गाड़ी पार्किंग, तो वहां से मेरे पास से गुजरी, तो गुजरी मेरी नजर इस पे पड़ी, लेकिन पीछे से मैंने इसे देखा कि कोई गया यहाँ से। तो जैसे ही मैंने देखा ना इसको, तो मुझे लगा कुछ देख के गई है ये मुझे, मतलब इसकी नजर मेरे पे पड़ी है, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे देख के गया। उस टाइम तक मुझे ध्यान नहीं था। क्या नहीं था, मतलब मैंने नजर ऐसे देखा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, नजर पड़ी है मुझे, कोई ने देख के गया है, तो मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी, वेले वाले को दी, लगा गाड़ी और मैं चला गया मॉल के अंदर। तो मॉल के अंदर जाते ही ये गायब, मुझे दिखना बंद, कहाँ गई। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, हर स्टोर में जा रहा हूँ, इसे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है, मिलने का नाम नहीं। और मैं यूं गायब हो जाती थी एकदम। मैं देख रही थी कोई मेरा पीछा कर रहा है, बट यू नो एज अ गर्ल मैंने ये शो होने नहीं दिया कि हाँ कोई, मैं उसको देख रही हूँ, जैसे वो तो मुझे देख रहा है, बट मैं उसको ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि हाँ मैंने भी देख लिया है। तो काफी देर ढूंढने के बाद देखा इसको, एक कैंडी शॉप पे खड़ी, कैंडी ले रही थी वहां पे। तो उसके बाद ये जिस स्टोर में जा रही थी शॉपिंग करने, तो मैं इसके पीछे पीछे। अब इसके चक्कर में ना मुझे भी एक दो स्टोर पे शॉपिंग करनी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ा है मुझे इससे मिलना, बहुत मुझे स्पोर्ट्स शूज लेने थे, मैं सुपर ड्राई गई थी। और अब मैंने तो बोला नहीं ना कि भाई तुम भी लो, मेरे देखने के चक्कर में तुम्हारे बिल फटे, मैं क्या करूं। बहुत खर्चा हुआ था इसके चक्कर में, अभी मैंने मतलब बात भी नहीं, चार आइटम ली थी, बिना बात करे इतना खर्चा हो गया था मेरा। तो जब ये सुपर ड्राई में थी, तो जिस कलर का ये शूज ट्राई कर रही थी ना, वही सेम कलर का मैं मंगवा रहा था। इसने व्हाइट पहना, तो मैंने भैया को बोला भैया व्हाइट चेक कराओ। इसने ब्लैक पहना, मैंने बोला ब्लैक दिखाओ। इसने बोल दिया पिंक। अब मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या यार, चेक कर रही थी मैं क्योंकि जो जो चीज मैंने ट्राई करी वो सब इसको लेना है, सबका सब। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ऐसा तिकड़म लगाऊंगी जहां पे ये थोड़ा सा मेरे को फील होने लग जाएगी, हाँ कंफर्म ये मेरे को फॉलो कर रहा है, जो चीज मैं कर रही हूँ वही ये सब चीजें कर रहा है। तो इसने जैसे बोला पिंक, तब तो मैंने सोचा कुछ देर, तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा भैया वो पिंक दिखाओ, और वहां ये फंस गया भैया से थोड़ा सा पिंक। तब इसने मुझे नोटिस किया अच्छे से कि हाँ, अब इसको कंफर्म हो गया कि मैं कुछ तिकड़मबाजी कर रहा हूँ। तो मैंने पिंक भी पैर में पहन के देखा, इसके घर के सिर्फ। उसके बाद बारी आती है बिलिंग की। तो जैसे ये बिलिंग करने लगी, तो किस्मत मेरे साथ थी, इसका नेटवर्क नहीं काम कर रहा वहां पे, परेशान हो रही है वहां खड़ी, क्या ना इसका कार्ड चल रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा था, फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, आई डोंट नो सर्वर डाउन था क्या प्रॉब्लम हो गया था। मैं दो तीन बार ट्राई भी किया कि वो पेमेंट ऑन स्पॉट हो जाए, बट हो नहीं रहा था, आई डोंट नो उस टाइम क्या नेटवर्क का दिक्कत था। तब जैसे ही देखा इसको, अच्छा प्रॉब्लम में है, तो प्रॉब्लम में लड़की और हम ना काम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फट से पहुंचा मैंने बोला यू नीड एनी हेल्प, बोली नो। एकदम से कौन पहली बार बोल देगा हाँ मुझे हेल्प की नीड है, मैंने हाँ नहीं बोला, मैं बोला यार नहीं काम बनेगा। तो फिर ये स्टोर वाले को बोल के गई कि आप रुको, उसने अपना बैग वहां पे रखा और मैं कैश लेके आती हूँ बाहर से ATM जाके। हाँ क्योंकि अब काम नहीं कर रहा था, इंसल्ट हो जाती, तो एक ही ऑप्शन था कि ATM जाके कैश निकाल के फिर भैया को देना था। तो फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी, तो जैसे ही बाहर निकली स्टोर से, तो मैंने उनको बोला स्टोर वाले भैया को कि मैं पे कर रहा हूँ, आप उनको बुला लो। तो मैंने पे पहले ही कर दिया, मतलब इसके वहां तक पहुंचने से पहले मैं पे कर चुका था, ताकि ये बाद में ना बोल दे कि नहीं करना या कुछ है ऐसे वैसे, तो मैंने पे कर दिया उस टाइम। बाद में मैंने ट्रांसफर कर दिया था बाहर जाने के बाद, क्योंकि वहां मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा था, बट उस टाइम मेरे लिए एक यू नो एंजल वाला काम कर दिया था, क्योंकि मैं हाँ भी नहीं बोल सकती थी, बट पीछे से पेमेंट हो गया था, तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई थी। तो बस ऐसे ही करके फिर जैसे इसको मैंने ट्रांसफर किया, तो नंबर तो आ ही गया था, फिर
और नंबर आ गया तो फिर समझो सब कुछ आ गया। फिर हमारी थोड़ी थोड़ी बातचीत चालू हो गई थी। मैंने हेलो बोला इसको तो इसने सीन किया, तो इसने सीन कर लिया था, लेकिन थोड़ा भाव भी तो खाना होता है ना। ये लड़की हूँ और कोई भी लड़की होगी तो वो ऐसा करेगी स्टार्टिंग में, बटरफ्लाईज आते हैं सबको। उसने रिप्लाई नहीं दिया मुझे बिल्कुल भी। मैंने एक दो बार वो ट्राई किया, मैं कहा अब ये लास्ट है, मन में सोच के कि एक मैसेज और करता हूँ, तो उसके बाद रिप्लाई। बट मैंने जवाब दिया था ना, तो वो तो देना पड़ेगा ना। मैंने हेल्प की है मैंने हेल्प किया, वो तो देना पड़ेगा। मैंने ट्रांसफर कर दिया था आपको। हाँ तो हेल्प तो की है ना, एट द मोमेंट एक मौके पे मैंने हेल्प तो की नहीं। तो मैं कैश लेने जा रही थी ना, पर तो हेल्प तो की है ना मैंने। तो बस मतलब शुरू से पार्किंग से लेके अंदर तक मुझे जिस इसने देखा था ना, जब इसकी एक नजर पड़ी तब से मुझे था कि कुछ वाइब है, शी इज द वन, तब से मैं फॉलो करना शुरू किया इसको। तो बस फिर बात बात होती रही होती रही होती रही, फिर एक दिन आई है चंडीगढ़ अपनी सिस्टर के पास। तो इसने मुझे नहीं बताया, हमारी दो एक दिन से बात नहीं हुई थी। मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी, हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो गए थे व्हाट्सएप के थ्रू। तो फिर मैंने इसकी स्टोरी देखी एक मार्केट की, इसने मार्केट को पूरा मेंशन किया हुआ कि इस मार्केट में ऐसे टैग कर देते हैं। मैं इनडायरेक्टली हिंट देना चाहती थी, मैं मैसेज पहुंचाना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी कि हाँ मैं आ गई हूँ मेरे से मिलो या जो भी चीज है, तो इनडायरेक्टली मैंने मेंशन कर दिया था। तो वही मैंने जैसे इसकी स्टोरी देखी मैं तो पहुंचा फट से वहां पे। जैसे ही पहुंचा मैं ढूंढ रहा हूँ वहां पे, तो मैं क्या दिख जाए अगर तो सरप्राइज हो जाएगी कि ये कहाँ पहुंच गया। तो बस लेकिन ये वहां से निकल चुकी थी, अफसोस गाइस मुझे वहां पे कहीं नहीं दिखी। तो फिर मैंने इसको मैसेज ड्रॉप किया, मैं क्या अच्छा चंडीगढ़ आए, और हमें बताया। तो अपनी नाराजगी मुझसे मैसेज के थ्रू जाहिर करी कि आप आए और आपने मुझे नहीं बताया। तो मैं बोल नहीं सकती थी ना कि हाँ पहला स्टेप मैं क्यों उठाती, तो मैं चाहती थी कि पहला स्टेप हमेशा ये उठाए। तो बस फिर उसके बाद उसी दिन थोड़ी हमारी बात हुई कि ठीक है चलो मिल लो या कुछ है। मैंने इसको बोला टी या कॉफी, बोली मुझे दोनों में से कुछ नहीं बनानी आती नहीं आती और मैं बहुत बुरी बनाती थी। तो मैंने क्लियर मैंने, बोल मैंने दिया। ये लोड़ना बोला था कि मुझे बना के दे दो, मैं तो पूछा था टी पसंद है कॉफी पसंद है, टी या कॉफी चलते हैं कहीं तो मेरा जवाब भी अच्छा था। मैंने कहा वैसे चाय मैं पसंद नहीं करती, बट तुम्हारे साथ टपरी वाली चाय। रोड इसने बोला कि रोड साइड पे कहीं चाय पीनी है, मैं बोल रहा है, मैं बोला ये तो खर्चा बच गया, चलो अच्छी बात है, कहीं और जाते तो खर्चा नहीं, वरना कैफे कॉफी डे ले जाती क्योंकि मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती थी। बट मैंने थोड़ा फिल्मी डायलॉग मार दिया था वहाँ पे। तो बस उस दिन ही आई कैब से, आई है चाय वगैरह पी, अब शर्मा रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हो। फोन पे तो इतनी बात कर लेते थे कि हाँ अच्छे दोस्त बन गए थे काफी, लेकिन ये नहीं है कि हमने ना फ्लर्ट करते थे ना कुछ ऐसा, वैसे कोई सीन नहीं था, अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो जब हम मिले कि दोनों ने चुप्पी साध ली, वो क्यों? क्योंकि हमारी ऑफिशियल जो हम ऐसे मुलाकात कर रहे थे वो हम पहली बार मिले, तो थोड़ा नर्वसनेस थोड़ी घबराहट थोड़ा सा वो पेट में ना ऐसे से कुछ कुछ होता है जो बटरफ्लाई वाली फीलिंग होती है, वो तो मेरी थी। दोनों चुप एकदम सन्नाटा, सोच रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी। चाय पी रहे हैं सब ठीक है, और खाया कुछ? बस ये सब चल रहा है, पूरा शर्मा रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं। और आज देख लो इसे, लड़ता है ये गाइस, बहुत लड़ता है दोस्तों, ये बहुत लड़ाई करता है आज के टाइम पे। पहला लड़ाई ये करता है, पीछे जो हमारे कैमरामैन बैठे हैं वो सच्चाई बता देंगे। बताओगे आप अनुज रामगढ़िया? तो अनुज पीछे में और अच्छी कहानी बताता हूँ। जब हम इंस्टाग्राम पे ऐड हुए ना, तो मैं रामगढ़िया को दिखाता था इंस्टाग्राम खोल के, मैं कहा रामगढ़िया देख ये वही लड़कियां हैं जिनको हम देखते थे ना। मैं रामगढ़िया को आपस में ऐसी बात करता था, मैं कहा यार रामगढ़िया इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड कौन होते हैं मैं इसको ऐसे बोलता था। और फिर मैं इसको जब इसकी आईडी आ गई थी ना मेरे पास, तब मैं रामगढ़िया को दिखाता था, मैं कहा देख रामगढ़िया, और फिर मैं रामगढ़िया चैट खोल के दिखाता था, मैं कहा ये देख ऐसे देख भाई। और ये बात मुझे इसने नहीं बताई अपने मुंह से, ये बात मुझे अनुज ने एक दिन बताई थी और मैं सरप्राइज्ड हुई थी, ये ऐसे बात करता है, बातें मुझसे सारी शेयर करता था, बट ये वाला बात इसने मुझे कभी बताया नहीं था कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे बात की है। तो बस फिर उस दिन हमने अपनी चाय निपटाई, चाय खत्म, उसके बाद ज्यादा देर नहीं रुकी है, 15-20 मिनट रुकी थी बस, बोली मेरी बहन के पास जाना है, वो अकेली है, ये है वो। तो फिर शुरू शुरू में पहला दिन था, मैंने भी फोर्स नहीं किया, सोचे कि चेप हो रहा है, इतना ही चेप हो रहा है, एक तो आगे ऊपर से चेप हो रहा है। तो बस फिर उसके बाद हमारी टाटा बाय बाय हो गई थी, अगले दिन अपना दिल्ली चली गई थी। तो बाकी की कहानी का इसकी हम फिर प्रपोज किसने किया, कैसे किया, कैसे हमारी लव लाइफ शुरू हुई, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बने रहे, जुड़े रहे, ऐसे सपोर्ट करते हैं, लव यू ऑल, ध्यान रखें। आपका आज्ञाकारी शिष्य नितिन वोट्स और मैं अलीशा चौहान अलविदा लेते हैं गाइस। सेनापति नहीं हूं मैं, सेनापति अलीशा चौहान के साथ अलविदा लेते हैं आपसे अभी। बाकी की स्टोरी देखना बिल्कुल देखना मत भूलना, क्योंकि हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं, जारी रहेगा हमारी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक प्यार
जो भी चीज है वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाले हैं। तो वो देखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तो था हमारा मिलना कि हमने एक दूसरे को देखा कैसे, कहाँ मिले, कैसे बात हुई, ये था सिर्फ उतना। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ किसने किसको प्रपोज किया, कैसे मिले, कैसे लव लाइफ शुरू हुई, कैसे था बाकी का आगे का प्रोग्राम, तो देखना अगले प्रोग्राम में।